नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पातंजलि का प्रोडक्ट है, जो कि है करेला आंवला स्वारस। तो दोस्तों ये देखिए, ये है करेला आंवला का जूस पातंजलि का। तो दोस्तों इस बारे में हम बात करेंगे, इस बारे में कुछ मैं बताऊंगा आज। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसके रेट के बारे में बताता हूँ आपको। 500 ml है ये, मात्र 75 रुपये का। तो दोस्तों काफ़ी सस्ता है, कोई महंगा नहीं है जूस, 500 ml जो 75 रुपये में। तो दोस्तों इसका सबसे मेन फायदा क्या है? सबसे मेन फायदा ये पातंजलि बोलता है डायबिटिक वाले जो पेशेंट है, जिनको शुगर की बीमारी है, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों ये करेला आंवले का जूस। तो दोस्तों करेले आंवले के बारे में तो आपको पता ही है, करेले आंवले काफ़ी गुणकारी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। करेले की अगर मैं बात करूँ तो करेले में विटामिन ए सी बायोटिन ऐसे कई सारी चीज़ें हमको मिलती है। वैसे ही दोस्तों आंवले में भी आपने देखा होगा काफ़ी गुणकारी होता है, आपने विटामिन सी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो कि हमारे स्किन और हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो विटामिन सी के अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं किसमें, आंवले में। तो ये दोनों चीज़ मिला के जो है दोस्तों आपकी बॉडी मतलब आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एक प्रकार से हम ये बोलते हैं तो आयुर्वेदिक में इनको एज ए मेडिसन मतलब मेडिसिन के रूप में इनको यूज़ करते हैं, किसको, करेले और आंवले को। तो दोस्तों पातंजलि ने ये तो बोला है कि इसके जो डायबिटिक वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन पातंजलि ये भी बोलता है कि इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मान लीजिए डायबिटिक है तो ठीक है आप, लेकिन अगर किसी को पी लिया है या कोई एनेमिक पेशेंट है, खून की कमी है, तो इनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। आर्थराइटिस है आपको, उनके लिए भी फायदेमंद है, और आपके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करता है, मेटाबॉलिज्म को ये मेंटेन करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके जो ही जूस के फायदेमंद है पातंजलि ये बोलता है। तो दोस्तों अगर आप क्या अगर आप डायबिटिक हैं तो इसको ले मतलब आप यूज़ करके देख सकते हैं आपको कितना फ़ायदा होता है, ये तो आप ही बताएंगे मुझे। और दोस्तों मैं ये भी कहता हूँ, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, मान लीजिए आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं, तब भी इसको आप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो काफ़ी फायदेमंद है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप स्वस्थ रहने के लिए इसको वैसे भी ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए आपका शुगर थोड़ा बहुत बड़ा भी होता है तो उसको ये जो है मेंटेन दोस्तों कर लेगा दोस्तों। लेकिन इधर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ साथ भी इसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मेडिसिन बंद करने की ज़रूरत है, या तो आप ये नहीं ले सकते हैं, आप इसको भी लेके देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों इधर एक चीज़ मैं बता दूं कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो इसको कृपया करके ना लें। इसके पीछे दोस्तों लिखा हुआ है कि जो प्रेग्नेंट महिला है उनके लिए नहीं है ये, अगर उनको लेना है तो वो डॉक्टर के परामर्श से लें। तो दोस्तों अगर इसके मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बात करूँ तो टेस्ट तो दोस्तों इसका ज़्यादा इतना कोई खास नहीं, क्योंकि करेले आंवले का जूस है तो इतना तो टेस्ट अच्छा नहीं है। दोस्तों इसको लेना कैसे मैं बता देता हूँ। इसको जो है दोस्तों 10 से 20 ml लेना है आपको पानी के साथ, मतलब पानी में मिलाकर लेना है, और दिन में 2 बार लेना है। और इसको खाना खाने से पहले ले लेना दोस्तों, करीब मान लीजिए आप खाना खाने से आधा घंटे पहले इसको ले लीजिएगा दोस्तों। आप लेके देखिए इसको, अगर 1-2 महीने अगर आप लेके देखेंगे तो मेरे ख्याल से जरूर आपको फायदा मिलेगा। और आपको कितना फायदा मिला है ये आप मुझे बताएंगे, और आप जो आपको कितना डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा फायदा मिलेगा तो किसी को कम भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको इसको लेके देखना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ये। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने करेले और आंवले का स्वरस के बारे में बताया, पातंजलि का जो प्रोडक्ट है। तो अभी भी अगर दोस्तों कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप से जो वीडियो लाते रहूँगा दोस्तों, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे टेक हो, या अदर्स नॉलेजेबल वीडियो हो, नए नए टाइप की वीडियो लाते रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, जब तक आप देखते रहिए आपका अपना चैनल नॉलेज फॉर इंडिया।